हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का मेरे YouTube के PTC चैनल पर वेलकम है। बच्चों, सारणिक पाठ के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स एक कॉस थीटा एक एक्स। पहला क्वेश्चन बच्चों यही है, इसमें बोल रहा है कि आप सिद्ध करिए कि इस सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र होगा। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि इस सारणिक को जब आप हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका जो भी मान मिलेगा वह मान थीटा से स्वतंत्र होगा। देखिए बच्चों, थीटा से स्वतंत्र होने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो उसका जो भी मान मिलेगा उस मान के अंदर थीटा कहीं भी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब यही हुआ। अगर आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यह थीटा से स्वतंत्र है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मान में कहीं भी थीटा दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को अगर कभी भी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका नाम आप डेल्टा बोल दीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका नाम आप डेल्टा बोल दीजिए और अब आप इसको धीरे धीरे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या करना है, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, प्रसरण करने पर आप या तो R1 के अनुसार प्रसरण कर दीजिए या फिर R2 के अनुसार प्रसरण कर दीजिए या फिर R3 के अनुसार प्रसरण कर दीजिए या फिर आप C1 C2 C3 के अनुसार प्रसरण कर दीजिए। लेकिन अभी अब ज्यादा यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के अनुसार प्रसरण करके ही आप इसका आंसर ला सकते हैं। अब देखिए R1 के अनुसार प्रश्न कीजिए, तो पहले x वाला मान लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर x लिखेंगे और इसको प्लस में लिखते हैं। अब देखिए x जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देना है और बाकी जो बचता है उसको सारणिक में लिख लेना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए माइनस एक्स वन वन एक्स। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे माइनस में, माइनस साइन थीटा, और फिर तब इसका जो भी पंक्ति स्तंभ है उसको छोड़ देना है। तो साइन थीटा के लिए ये वाला पंक्ति छोड़िए और ये वाला स्तंभ छोड़िए, क्या बचता है, माइनस साइन थीटा वन और कॉस थीटा एक्स। और फाइनली अब इसको आप ले लीजिए, तो यहाँ पर प्लस में कॉस थीटा लेंगे और इसके बाद इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ के जो भी सारणिक का मान मिलेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए इसका पंक्ति ये हुआ और इसका स्तंभ ये हुआ, छोड़ देना है, तो क्या बचता है, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और यहां बचेगा कॉस थीटा एक। अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां एक्स हो गया और इसको आप सोल्व करेंगे तो रूल होता है इस तरह से गुणा माइनस, इस तरह से तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर यहां पर लिखिए माइनस साइन थीटा और इसको आप सोल्व कीजिए तो इस तरह से गुणा माइनस, इस तरह से तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा या फिर माइनस साइन थीटा इंटू एक्स और फिर फाइनली माइनस, इस तरह से गुणा कीजिए कॉस थीटा गुणा एक बराबर कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों यहां पर कॉस थीटा लिख लीजिए और इसको भी उसी तरह से कैलकुलेट कर दीजिए। तो
माइनस साइन थीटा, और फिर रूल्स होता है माइनस, और एक तो यहाँ पर पहले से भी दिया है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स, या फिर एक्स इंटू कॉस थीटा। सारणिक तो आप लोग सोल्व करने जानते ही होंगे। अब आगे देखिए, इसको आप लोग थोड़ा सा गुणा कर लीजिए, जो भी गुणा हो रहा है। एक्स गुणे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स क्यू, और फिर होगा माइनस एक्स, और इसका गुणा कीजिए माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, चाहे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स गुणे सॉरी कॉस थीटा गुणे एक्स कॉस थीटा करिए, हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, ये वाला बात तो कट गया सीधे। अब देखिए आप लोग ध्यान से, यहां पर हो गया माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, और इस दोनों पद को आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्स कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लेना है। अब फिर क्या बचेगा, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखते रहिएगा आप लोग ध्यान से, माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, और इसका मान तो एक हो जाएगा, तो एक्स गुणे एक बराबर हो जाएगा प्लस में एक्स। अब एक्स एक्स भी कट गया, फाइनली हो गया माइनस एक्स क्यू। अब आप लोग हैं जल्दी बताइए कि एक्स क्यू के अंदर कहीं भी थीटा से रिलेटेड कुछ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका जो भी मान आया है उसमें कहीं भी थीटा दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसको यहीं पर लिख देंगे जो कि, यानी कि ये वाला जो मान मिला है वह, यानी कि जो कि थीटा से क्या है, स्वतंत्र है, जो कि थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। तो यही बात हम लोगों को प्रूफ करना था, हो गया, उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि सारणिक का प्रसरण किए हुए बिना आप सिद्ध करिए कि अगर LHS इतना है तो इस LHS के बराबर RHS इतना लाना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इतना बराबर सिद्ध कर दीजिए, इतना कैसे, तो बिना प्रसरण किए हुए। तो देखिए बच्चों, हम अपना LHS लेकर के चलते हैं और यही हमारा RHS है, इतना ला करके हम दिखा देंगे। तो देखिए यहां पर, देखिए क्या करना है, यहां पर बोलना है कि R1 में A से कॉमा, R2 में B से, और R3 में C से गुणा करने पर। क्या हम बोल दिए, पहला पंक्ति में ए से, दूसरा पंक्ति में बी से, तीसरा पंक्ति में सी से गुणा करने पर। अगर आप लोग इतना काम नहीं करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन जैसे बनेगा उस तरह से हम बना रहे हैं। तो R1 में आप पहले ए से गुणा कीजिए, तो जब आप R1 में ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ए क्यू, और यहां हो जाएगा ए बी सी। जब आप R2 में B से गुणा करेंगे तो यहां होगा B स्क्वायर बी क्यू, और यहां आप लोग ध्यान से देखिएगा BCA या फिर ABC में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से यहां पर गुणा कीजिए C स्क्वायर C क्यू, और यहां हो जाएगा CAB, या फिर उसी को लिख सकते हैं ABC। अब देखिए बच्चों, जब आप इसमें A से गुणा किए हैं तो सारणिक का मान ए गुना बढ़ गया है, इसमें जब आप बी से गुणा किए हैं तो सारणिक का मान पहले से तो ए गुना बढ़ा ही था, अब और बी गुना भी बढ़ गया है, और जब आप इसमें सी से गुणा कर देते हैं तो पहले से ए भी गुना तो बढ़ा ही था, अब सी गुना और भी बढ़ जाएगा। यानी कि इस वाले बात को यहां पर बैलेंस करने के लिए हम बटा में ए ले लेंगे आगे,
इस वाले बात को बैलेंस करने के लिए। ए से अगर आप गुणा करेंगे तो सारणी का मान ए गुना बढ़ेगा, तो फिर इसके बराबर करने के लिए हम ए से बैलेंस कर दिए। अब बी में जब आप इसमें बी से गुणा करेंगे तो पुनः सारणी का मान फिर बी गुना बढ़ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर एक बटा में बी कर दिए। और जब आप इसमें सी से गुणा करेंगे तो सारणी का मान सी गुना बढ़ जाएगा, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिए, एक बटा सी से गुणा कर दिए। यानी तीनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ए बी सी से भाग देना पड़ेगा फाइनली मान में, तब जाके इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर हो गया वन बटा में ए बी सी। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग चाहेंगे तो इस सारणी के अंदर से तीसरे स्तंभ में से ए बी सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहीं पर बोल देंगे कि सी थ्री से ए बी सी कॉमन लेने पर, तो ले लीजिए कॉमन, इससे आप कॉमन लीजिए, ए बी सी कॉमन बाहर हो गया। और अब सारणिक में क्या बचता है, देखिए यहां बचेगा ए स्क्वायर, यहां बचेगा बी स्क्वायर, यहां बचेगा सी स्क्वायर, यहां बचेगा ए क्यू, यहां बचेगा बी क्यू, यहां बचेगा सी क्यू, और यहां तो केवल ए बी सी कॉमन होने के बाद एक 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 बचेगा। अब देखिए बच्चों, ए बी सी कट गया, अब फाइनली हम लोगों का क्या हो गया, तो हो गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू वन वन वन। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि आरएचएस में जो चाहिए वो वाला बात मिल रहा है, लेकिन जिस ऑर्डर में जो चाहिए उस ऑर्डर में नहीं मिल रहा है। तो बस केवल यहां पर अब इसका ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर कर देना है, हम लोगों को आरएचएस प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम बोल देंगे कि सी वन और सी थ्री को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो जब आप लोग आपस में सी वन सी थ्री को इंटरचेंज करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, सी वन के जगह पर चला जाएगा सी थ्री और सी थ्री के जगह पर चला जाएगा सी वन, तो वन 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 यहां पर आएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां पर वन वन वन, और यहां पर तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो कहते हो, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि अगर किसी भी सारणिक के अंदर उसका कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ आपस में इंटरचेंज होता है तो उस सारणिक का चिन्ह पहले से बदल जाता है। तो देखिए, अगर इसका मान अगर हम मान लेते हैं कि 10 होगा, तो इस तरह का काम करने से यहां पर जो मिलेगा उसका मान हो जाएगा -10, तो उस -10 को 10 बनाने के लिए यहां पर क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ाए थे कि आपस में अगर आप कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ इंटरचेंज करते हैं तो उस स्थिति में सारणिक का चिन्ह बदलता है, यानी कि अगर इसका मान 10 है तो इसका मान हो जाएगा -10, तो उस -10 को इस 10 के बराबर करने के लिए यहां पर क्या कर दिए, माइनस से गुणा कर दिए। अब आगे देखिए बच्चों, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। यहां जो मिला है उसमें C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, 111 तो जो कहते हो है, लेकिन इसको इंटरचेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर C2 के जगह पर आ जाएगा और C3 के जगह पर हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू। अब सुनिए आप लोग ध्यान से, यहां पर एक माइनस पहले से था और आप जानते हैं कि जब भी आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वह माइनस बढ़ते जाता है, तो यहां पर पहले से एक माइनस था और यहां पर फिर आप इंटरचेंज कर दिए C2 C3 को, तो यहां पर एक और माइनस आया होगा, तो दो ठो माइनस आने के चलते वो दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यानी फाइनली आप लोग जो लाना चाहते थे वो आ गया, देख लीजिए यही क्या है, आरएचएस है, प्रूफ उतार लीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखिए, देखिए बच्चों,
यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस सारणिक का आप मान ज्ञात कीजिए। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसका नाम हम लोग डेल्टा कह देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कुछ नहीं करना है, इसको किसी भी तरह से सोल्व कर देना है। या तो आप डायरेक्ट सोल्व करिए या फिर इसको कुछ आसान बना करके सोल्व कीजिए। तो आसान आप कुछ कॉमन निकाल करके कर सकते हैं, कुछ जीरो बना करके कर सकते हैं, कुछ इसी तरह का बहुत सारा कार्य इसमें हो सकता है कि जिससे कि आसान हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले पंक्ति से अगर चाहेंगे तो कॉस अल्फा कॉमन निकल जाएगा, और तीसरे पंक्ति से अगर आप चाहेंगे तो साइन अल्फा कॉमन निकल जाएगा। कॉमन निकालने के बाद शायद कोई फायदा हो जाए, तो देखा जाए। पहले इतना काम करके बोल रहे हैं कि R1 से कॉस अल्फा और R3 से साइन अल्फा कॉमन लेने पर। तो अब देखिए बच्चों, आप पहले R1 से कॉस अल्फा कॉमन निकाल करके देखिए। तो R1 से कॉस अल्फा कॉमन निकाला जाए, देखिए क्या बच रहा है। यहाँ पर कॉस अल्फा कॉमन निकालने के बाद बचेगा कॉस बीटा, और यहाँ पर बचेगा साइन बीटा, और यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा कॉमन नहीं है। और अगर आप जबरदस्ती कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्निक होता है, ट्रिक होता है कि जो भी आप जबरदस्ती कॉमन निकाल रहे हैं उसको यहाँ पर बचे हुए मान में उससे भाग दे देना चाहिए। यानी कि कॉस अल्फा अगर आप कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप कॉस अल्फा से भाग दे दीजिए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा आप लोगों को समझा देते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए सी है, तो अगर यहाँ से अगर ए कॉमन निकालना होगा तो कॉमन आप निकाल के देखिए क्या होता है, यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा प्लस सी। लेकिन अगर यहाँ अब हम बोल दे कि यहाँ ए है और यहाँ पर सी है, और हम बोल रहे हैं कि अब ए कॉमन निकालना है, तो देखिए ए कॉमन कैसे निकलेगा। यहाँ तो ए है नहीं और आप कह रहे हैं कि ए कॉमन निकालना है, तो आपको अपने मन से यहाँ पर गुणा में ए और भागा में ए सोचना पड़ेगा, ठीक है, और तब जाकर के ए कॉमन निकल जाएगा। तो ए कॉमन निकालिए तो यहाँ पर बचेगा वन और यहाँ हो जाएगा सी बटा ए। तो यहीं से ये वाला टेक्निक मिल जाता है कि अगर यहाँ पर सी में ए कॉमन नहीं है और अगर आप जबरदस्ती कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो जो भी आप कॉमन निकालेंगे वो वाला मान बटा में चला जाता है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं रहता है वहां पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन अल्फा में कॉस अल्फा तो कॉमन था नहीं, और आप जबरदस्ती कॉमन निकाले हैं, तो जबरदस्ती कॉमन निकालने पर जो भी बात कॉमन निकालते हैं वो बात उसके बटा में चल जाता है। यहां से आप उस चीज को समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें आप देखिए, पहले इसको लिख लीजिए आप, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो, और इसमें से अगर आप साइन अल्फा कॉमन निकालेंगे तो साइन अल्फा कॉमन निकालने के बाद देखिए क्या बचता है। यहां पर बचेगा कॉस बीटा, यहां भी बचेगा क्या, कॉस बीटा। कोई दिक्कत है आप लोगों को, एक सेकेंड थोड़ा रुकिए, क्वेश्चन में लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है। यहां पर कॉस बीटा नहीं है, साइन बीटा है, तो यहां क्या बचेगा साइन अल्फा कॉमन निकालने के बाद, साइन बीटा। और यहां अगर कॉस अल्फा है और आप निकाल रहे हैं साइन अल्फा, तो यहां से आप जबरदस्ती साइन अल्फा कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बटा में साइन अल्फा। देखते रहिए आप लोग ध्यान से। अब यहां तो कॉस अल्फा साइन अल्फा जो कहते हो, और इसको आप एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कॉस बीटा, यहां पर आप साइन बीटा लिख लीजिए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस टेन अल्फा। यहां पर लिखिए आप साइन बीटा, यहां कॉस बीटा, और यहां जीरो भी ठीक है,
लेकिन इसमें देखिए कुछ अरेंज हो सकता है। कॉस बीटा को आप लोग ज्यों कहते हो लिखिए, साइन बीटा को भी आप लोग ज्यों कहते हो लिखिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बटा में साइन अल्फा, कॉट अल्फा हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर अब बोल देंगे कि आर वन में चेंज करेंगे आर वन माइनस आर थ्री। इस काम को करने से आप लोगों का सारणिक बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा अब आगे क्या होता है। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और R1 में क्या हम चेंज करने के लिए बोले हैं, R1 में बोले हैं कि R1 में कैसा चेंज करना है, तो R1 में से R3 घटा देना है। तो R1 में से अगर आप R3 घटाएंगे तो देखिए क्या बचता है, कॉस बीटा में से कॉस बीटा घटाइए, जीरो बचेगा, कहाँ रखना है R1 में। साइन बीटा में से साइन बीटा घटाइए, जीरो बचेगा और कहाँ रखना है R1 में। और माइनस टेन अल्फा में से अगर आप कॉट अल्फा घटाएंगे तो यहां पर बचेगा माइनस टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और बाकी बात को ज्यों कहते हुए लिख लीजिए, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा जीरो, और लास्ट में बचा है कॉस बीटा साइन बीटा कॉट अल्फा। अब देखिए बच्चों, अब R1 पंक्ति के अनुसार सारणिक को प्रसरण करना बहुत आसान हो गया है, तो अब प्रसरण कर लेंगे हम लोग। बोल देंगे R1 के अनुसार प्रसरण करने पर, R1 के अनुसार प्रसरण कीजिए, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए जब आप R1 के अनुसार प्रसरण करेंगे तो इसके और इसके चलते तो प्रसरण होगा नहीं, जीरो जीरो के चलते तो प्रसरण होगा नहीं, केवल इसके चलते प्रसरण होगा। तो यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, तो इसको हम जीरो कहते हैं, लिख लेंगे इनटू में माइनस टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, आगे प्लस लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली इसके बाद इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढकने के बाद जो बचेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका पंक्ति ये वाला है और इसका स्तंभ ये वाला है, ढकने के बाद बचता है क्या, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा साइन बीटा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसको ज्यों कहते हैं लिखिए, चाहे इसमें से माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस अगर आप कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, माइनस कॉमन निकालने के बाद। और यहां पर देखिए क्या होता है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, रूल क्या होता है, इस तरह से गुणा माइनस इस तरह से, तो साइन बीटा गुणे साइन बीटा, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर रूल से होता है माइनस कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए बच्चों यहां से भी आप एक माइनस कॉमन निकाल लीजिए, इसको प्लस बना देगा, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली हो गया कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। और इसको आप लोग अब थोड़ा सा तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन अल्फा बटा में कॉस अल्फा प्लस, इसको आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा बटा में साइन अल्फा, और आप इस यहां से जब कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस तरह का बचेगा, माइनस कॉमन निकालने के बाद। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहां पर एलसीएम लीजिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ऊपर में क्या होगा कैलकुलेट करके, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा खत्म, तो साइन अल्फा बचा, क्या बन जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर देखिए साइन अल्फा खत्म, तो कॉस गुणे कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहां पर इसका मान तो एक हो गया। अब देखिए बच्चों ये वाला कट ही जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी तो एक हो जाएगा,
तो एक गुणे एक फाइनल क्या हो गया एक, यानी कि इसका मान कितना आ गया एक आ गया, यही हो गया हम लोगों का आंसर। उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर चार बोला है कि यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं तो सारणिक इतना बराबर जीरो अगर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा या फिर a बराबर बी बराबर सी होगा। यानी क्वेश्चन नंबर चार बोल रहा है कि अगर a b और c तीनों संख्याएं अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो उस स्थिति में अगर इस सारणी का मान आप जीरो कहते हैं तो जीरो केवल और केवल तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो या फिर a b और c तीनों क्या हो आपस में बराबर हो। इसी बात को हम लोगों को इसे ले करके चलना है और इस बात को मतलब ला करके दिखा देना है कि यही शर्त है कि अगर आप इस तरह का बात बोलते हैं कि इतना बराबर जीरो है तो इसका शर्त ये है कि तब ये होना चाहिए नहीं तो फिर ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोलते हैं, C1 में चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाला चेंज C1 में भी कर सकते थे, C2 में भी कर सकते थे, C3 में भी कर सकते थे, R1, R2, R3 में भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग बार बार इस बात को सीखे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन पंक्ति से भी बनता है और स्तंभ से भी बनता है तो उसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि स्तंभ वाइज बना लिया जाए। तो यहाँ पर इसीलिए स्तंभ वाला संक्रिया लगाए हैं, C1 में चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखिए क्या होता है, इसको आप संगत तरीके से जोड़ के देखिए, B प्लस B2 B, C प्लस C2 C, A प्लस A2 A, यहां होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, एकदम उसी तरह से इसको भी आप जोड़ेंगे तो वही मिलेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, उसी तरह से इसको भी आप जोड़ के देखिए 2A प्लस 2B प्लस 2C, और बाकी C2 और C3 को ज्यों का त्यों छोड़ना है, तो यहाँ पर C प्लस A, यहाँ पर A प्लस B, यहाँ पर B प्लस C, और यहाँ पर A प्लस B, यहाँ पर B प्लस C, और यहाँ पर C प्लस A, बराबर हो जाएगा जीरो। अब बच्चों आप लोग यहाँ C1 से 2A प्लस 2B प्लस 2C कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकालिए आप लोग कॉमन, बोल देते हैं C1 से 2A प्लस 2B प्लस 2C कॉमन लेने पर, तो ले लीजिए कॉमन, क्या होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और यहां पर बनेगा 1 1 1, और यहां फाइनली C प्लस A, A प्लस B, B प्लस C, यहाँ होगा A प्लस B, यहाँ B प्लस C, और यहाँ पर C प्लस A बराबर जीरो। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग बोल देंगे कि R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 में चेंज करेंगे R2 माइनस R3। तो देखिए बच्चों, यहां से आप पहले दो कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c हो जाएगा, और यहां पर r1 में चेंज करना है r1 माइनस r2 करना है, तो देखिए जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और c प्लस a में से जब आप a प्लस b घटाएंगे तो देखिए a कट जाएगा और बचेगा c माइनस b, घटा करके आप लोग देख लीजिएगा, यहां पर a प्लस b में से जब आप b प्लस c घटाएंगे तो लिखेंगे a प्लस बी माइनस कोष्ट के अंदर b प्लस सी, जब आप कोष्टक खोलेंगे तो b से b कट जाएगा और बचेगा a माइनस सी। उसी तरह से इसमें आप देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, a प्लस बी में से b प्लस सी घटाएंगे तो b भी कटेगा, बच जाएगा a माइनस सी, और यहां b प्लस सी में से जब आप c प्लस a घटाएंगे तो कट जाएगा c c और बचेगा b माइनस a, और फाइनली देखिए बच्चों यहां पर 1 है, यहां है b प्लस सी, और यहां है c प्लस a बराबर 0। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब केवल c1 के अनुसार प्रसरण कर देंगे, ये वाला बात थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद मिल जाएगा। तो देखिए अब
अब हम बोल देंगे कि सीवन के अनुसार प्रसरण करने पर, देख लीजिए संक्रिया लगाने के बाद सीवन के अनुसार प्रसरण करना कितना आसान हो गया, केवल वन के अनुसार प्रसरण करेंगे काम हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 × a + b + c, और यहाँ पर 0 0 के चलते होगा नहीं, केवल वन के चलते होगा प्रसरण, तो वन लिखेंगे, इसके बाद इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढकने के बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो क्या बचेगा c - b a - c a - c, और यहां बचेगा b - a, देख लीजिए यही वाला बात मिलेगा और बराबर 0। ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा 2 × a + b + c, और इसको आप लोग सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा c - b × b - a, और फिर माइनस होता है कितना गुणे इतना, तो हो जाएगा a - c² और फाइनली बराबर 0। इस तरह से गुणा माइनस इस तरह से कर दिया है। अब देखिए 2 × a + b + c, और इसको आप लोग गुणा कर लीजिए थोड़ा सा c b - c a - b² और प्लस ए बी हो जाएगा, और इस a - c² को तोड़ देना है तो c² + a² + c² और -2ac, और फाइनली बराबर क्या हो गया 0। देखते रहिएगा आप लोग ध्यान से 2 × a + b + c। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या करेंगे हम लोग c b - c a - b² + a b को उसी तरह से लिखिए, और इस कोष्टक को आप माइनस से गुणा करके खोल दीजिए, तो हो जाएगा -a² - c² + 2ac बराबर 0। कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों 2 × a + b + c, यहां पर देखिए c b और a b प्लस में है और c a है माइनस में, और यहां पर देखिए c a है माइनस में और यहां पर 2 ac है प्लस में, तो 2 ac प्लस में और c a है माइनस में, तो इसमें से इस c a को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक तो c a बचेगा चाहे एक तो ac बचेगा, तो यहां पर फाइनली हो जाएगा c b c a a b, और तब बचेगा a² b² c² - -a² - b² - c² - 0। सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए बच्चों, अब आप लोग इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद कुछ इस तरीके का स्थिति होगा, माइनस टू हो गया यहाँ पर, और माइनस कॉमन निकालने के बाद इधर देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा -cb, ये हो जाएगा -ca, ये हो जाएगा -ab, क्योंकि जो भी प्लस में होता है माइनस कॉमन निकालने के बाद माइनस में बदल जाता है, और जो माइनस में होता है वह माइनस कॉमन निकालने के बाद प्लस में बदल जाता है, तो +a² + b² + c² = 0। देखते रहिएगा आप लोग ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, इस दो को इसके अंदर गुणा आप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस में a + b + c, और इस दो को जब अंदर गुणा करेंगे तो होगा -2cb - 2ca - 2ab, और यहां हो जाएगा 2a² - 2b² - 2c² = 0। अब देखते रहिए आप लोग ध्यान से थोड़ा। अब देखिए बच्चों, इस माइनस को अगर आप चाहेंगे तो उस जीरो के साइड में भेज करके खत्म कर लेंगे, तो अब बचेगा a + b + c, और इसको देखिए आप, इसको हम क्या करते हैं, यहां पर -2bc के साथ एक ठो b² और एक ठो c² ले लेंगे, क्योंकि यहां पर दो ठो b है दो ठो c है दो ठो a² है, मतलब दो ठो b² है, दो ठो c² है और दो ठो a² है, तो 2cb के साथ एक ठो b² लेंगे और एक ठो c² लेंगे, 2ca के साथ एक ठो c² लेंगे और एक ठो a² लेंगे, और 2ab के साथ एक ठो a² लेंगे और एक ठो b² लेंगे,
यानी कि जो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर जिसके साथ चाहिए वो चीज यहाँ पर पहले से मौजूद है, बस केवल इसको अरेंज कर लेना है। तो देखिए माइनस टू सी बी है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस टू सी बी और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, एक थोड़ा आगे लिख देते हैं सी स्क्वायर और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें से एक ठोले लिए सी स्क्वायर और एक ठोले लिए बी स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर है माइनस टू सी ए, तो यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं माइनस टू सी ए और इसके साथ एक ठोले लेते हैं प्लस में सी स्क्वायर और एक ठोले लेते हैं प्लस में ए स्क्वायर जो कि इसमें मौजूद है। और उसी तरह से देखिए यहाँ पर माइनस टू ए बी है, तो माइनस टू ए बी के साथ माइनस टू ए बी के साथ एक ठो ले लेते हैं ए स्क्वायर और एक ठो ले लेते हैं बी स्क्वायर इस तरीके से, और फाइनली हो गया बराबर जीरो। यानी कि हम इसी बात को बस केवल इस रूप में अरेंज कर दिए हैं, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो मिल रहा था उससे कुछ रूप नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसी बात को अगर हम इस तरीके से अरेंज कर दिए तो बहुत ही एक बेहतरीन रूप प्राप्त हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसको देखिए अब क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं c माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखिए बच्चों, अगर ये वाला और ये वाला गुणनखंड अगर जीरो है, यानी कि इसका और इसका गुणा करने के बाद अगर जीरो मिलता है, इसका मतलब क्या हो, या तो ये वाला जीरो है नहीं तो फिर ये वाला जीरो है। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि तब तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, नहीं तो ये वाला बात सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला हो जाएगा जीरो। अब देखिए बच्चों, जो भी बात सिद्ध करना था उसमें से ये वाला बात तो सिद्ध हो गया, लेकिन दूसरा बात के जगह पर ये वाला मिल गया। अब देखिए बच्चों, ये जीरो तभी हो सकता है जब ए बी और सी तीनों आपस में बराबर हो, बराबर करके आप देखिए तुरंत ये वाला जीरो हो जाएगा। जैसे देखिए अगर बी और सी बराबर होगा तो बी में से सी घटाइए चाहे सी में से बी घटाइए, दोनों घट के जीरो हो जाएगा। अगर सी और ए बराबर होगा तो सी में से ए घटाइए चाहे ए में से सी घटाइए, घट के यहां पर भी जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर भी जीरो। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a b बराबर होने पर a माइनस बी घट के जीरो हो जाएगा, यानी कि a और b अगर दोनों बराबर होगा तो। यानी कि अगर इसको आप जीरो बनाना चाहते हैं तो इसका एक ही शब्द है कि यह जीरो केवल और केवल तभी होगा जब a बराबर b बराबर c है। तो देख लीजिए, हम लोग को यही सिद्ध करना था कि अगर इस सारणी का मान जीरो होता है तो केवल और केवल तभी जीरो होगा जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो या फिर ए बी सी तीनों आपस में क्या हो, बराबर। तो देख लीजिए सिद्ध हो गया, उतार लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अगर ए जीरो नहीं है, अगर ए जीरो नहीं है तो इस सारणिक को आप हल करिए। अगर ए का मान जीरो नहीं मान रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का मान आप जीरो मत मानिए और तब इस सारणिक को आप हल कीजिए। देखिए बच्चों, हल करने का मतलब होता है कि सारणिक के अंदर जो भी चर राशि है उसका मान ज्ञात कर देना है। तो यहाँ पर चर राशि जो है उसको हम एक्स बोल रहे हैं, चाहे एक्स समझना है, तो इसी एक्स का मान जब आप इसको हल करके निकाल देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम C1 में चेंज करते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, चेंज करने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा जोड़ करके C1 में 3x प्लस a, इसको भी जोड़ करके हो जाएगा 3x प्लस a, इसको भी जोड़ करके हो जाएगा 3x प्लस a, बाकी बात जो कहते हो C2 और C3 में, और इधर बराबर जीरो। देखते रहिएगा आप लोग ध्यान से। अब देखिए बच्चों, हम बोल देते हैं कि C1 से 3x प्लस a कॉमन लेने पर, तो ले लीजिए कॉमन, इससे आप 3x प्लस a कॉमन लीजिए,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन 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 हो गया, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स प्लस ए, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस ए बराबर जीरो। अब देखिए R1 में चेंज कर देते हैं R1 माइनस R2, ये सब काम केवल क्यों होता है, सारणी को आसानी तरीके से सोल्व करने के लिए। और R2 में चेंज कीजिए R2 माइनस R3, चेंज करके देखिए क्या होता है, 3x प्लस ए, यहाँ हो गया जीरो, यहाँ हो गया माइनस ए, यहाँ हो गया जीरो, यहाँ हो गया जीरो, यहाँ हो गया ए, यहाँ पर हो गया माइनस ए, यहाँ वन एक्स एक्स प्लस ए और इधर बराबर जीरो है। अब इस सारणी को आप लोग सोल्व कर दीजिए, बहुत आसानी तरीके से सोल्व होगा। 3x प्लस ए और बोल देते हैं कि C1 के अनुसार, यहाँ पर बोल देते हैं C1 के अनुसार प्रसरण करने पर, तो कर दीजिए क्या हो जाएगा, इस दोनों के चलते तो कुछ होगा नहीं, केवल वन के चलते प्रसरण होगा, तो इनटू में वन लिखिए और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका पंक्ति इसका स्तंभ ढक लीजिए, तो माइनस ए है, जीरो है, ए है, माइनस ए है और इधर बराबर जीरो है। तो फाइनली देखते रहिए आप लोग, यहाँ पर हो गया 3x प्लस ए और इसको आप जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से गुणा माइनस इस तरह से, तो केवल ए स्क्वायर हो जाएगा और फाइनली बराबर जीरो। अब आप जानते हैं कि इसका और इसका गुणा जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा। तो सवाल में पहले ही बोल दिया है कि ए कभी जीरो होगा नहीं, तो जब ए जीरो नहीं होगा तो ए स्क्वायर भी जीरो नहीं होगा, यानी कि ये वाला पद तो जीरो होगा नहीं, तो जीरो अब केवल यही हो सकता है। तो इसलिए 3x प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली 3x बराबर क्या हो गया, माइनस ए, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, माइनस ए बटा 3। आप लोगों का यही क्या हो गया आंसर, उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का LHS इतना दिया है और RHS में बोल रहा है कि आप इतना ला दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम अपना LHS लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, जो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि C1 में A कॉमन है, C2 में B कॉमन है और C3 में C कॉमन है। आप लोग थोड़ा सा देखिए ध्यान से, तो बोल देते हैं कि C1 से A कॉमा, C2 से B और C3 से C कॉमन लेने पर, बोल दिए हम। तो देखिए जब आप C1 से A कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा A और यहाँ जब A कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा A प्लस B और यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो केवल B बचेगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ से जब आप B कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा C, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा B प्लस C, क्योंकि इसमें से B कॉमन निकालने के बाद बी स्क्वायर के जगह पर बी बचेगा और बी सी के जगह पर सी बचेगा। और इसमें से जब आप सी कॉमन निकालेंगे तो यहां पर बचेगा ए प्लस सी और यहां बचेगा ए और यहां पर बचेगा सी, तो यहां पर बी और सी कॉमन भी निकाल लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा, अब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि R1 में चेंज करेंगे या आप C1 में भी चेंज कर सकते हैं, C1 में चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए अब क्या होता है, A इंटू बी इंटू सी, ए प्लस सी, फिर A प्लस सी क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2C, इसको आप ऐड करेंगे तो होगा 2A प्लस 2B और इसको जब आप ऐड करेंगे तो होगा 2B प्लस 2C और यहाँ पर C है, यहाँ B है, यहाँ B प्लस C है और यहाँ है A प्लस C, यहाँ A और यहाँ पर C है। आप इसमें से दो कॉमन निकाल सकते हैं, तो बोल देते हैं कि C1 से दो कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, 2ABC हो जाएगा और इसमें से आप दो कॉमन निकालेंगे तो होगा A प्लस सी, यहां से दो कॉमन निकालने के बाद हो जाएगा A प्लस बी
और यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी, और इधर सी बी, बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस सी, यहाँ ए, यहाँ पर सी, ज्यो का त्यो रहेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्या करना है, अब इसको आप थोड़ा सा आसान करिए कि इसको प्रश्न करना आसान कैसे होगा। तो देखिए संक्रिया लगाएंगे, प्रश्न करना आसान हो जाएगा। संक्रिया इस तरीके से लगना चाहिए किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अनुसार मैक्सिमम जीरो हो या फिर बात छोटा हो जाए। तो देखिए सी वन में चेंज करते हैं, सी वन माइनस सी टू, सी वन में कैसा चेंज करते हैं, सी वन माइनस सी टू, और सी टू में चेंज कर देते हैं सी टू माइनस सी थ्री। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर टू टाइम्स ए बी सी, सी वन में से आप सी टू घटा करके देखिए, ए प्लस सी में से आप सी घटाएंगे तो यहां पर केवल बचेगा ए, यहां ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तो यहां पर भी बचेगा केवल क्या ए, और यहां जब आप बी प्लस सी में से बी प्लस सी घटा देंगे तो यहां पर जीरो बच जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से, अब इसमें देखिए सी में से ए प्लस सी घटाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा माइनस ए, और यहां देखिए बी माइनस ए हो जाएगा घटाने के बाद, और यहां पर देखिए बी प्लस सी में से जब आप सी घटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और फाइनली यहां ए प्लस सी, यहां पर ए, यहां पर सी हो जाएगा जो कहते हो। अब देखिए बच्चों अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे तो कई प्रकार से बना सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब कुछ नहीं करना है, अब बोल देते हैं यहां से हम कि C1 से A कॉमन लेने पर, C1 से A कॉमन लेने पर, कॉमन लेके देखिए क्या होगा, टू ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। जब यहां से आप ए कॉमन निकालेंगे तो बाहर निकल के ए के साथ गुणा होकर के ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर देखिए अब वन हो गया, यहां वन, यहां जीरो, और यहां माइनस ए बी माइनस ए बी, ए प्लस सी ए और सी हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप R1 में चेंज कर दीजिए, R1 माइनस R2 चेंज करके देखिए क्या होता है। जब आप R1 में चेंज करेंगे R1 माइनस R2 तो थोड़ा देखिए अब क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पर या का चिन्ह नहीं रहना चाहिए, बराबर का चिन्ह रहेगा क्योंकि इधर बराबर नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस ए है और जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाने के बाद देख लीजिए माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए में से जब बी माइनस ए घटाएंगे तो माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सी घटा करके देखिए आप लोग, और फिर यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ बी माइनस ए है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी है। अब कैलकुलेशन कर लिया जाए तो बोल देते हैं C1 के अनुसार प्रसरण करने पर, तो जब आप C1 के अनुसार प्रसरण करेंगे तो देखिए थोड़ा क्या होता है, अब 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी, यहां पर होता है प्लस, यहां होता है माइनस, यहां होता है प्लस, तो यहां पर माइनस वन लिखेंगे इंटू में, और फिर इसका पंक्ति स्तंभ ढकने के बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे, तो क्या बचेगा माइनस बी सी, और यहाँ पर भी है बी और सी, कोई दिक्कत है आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से है माइनस बी सी और इस तरह से भी माइनस बी सी, तो फाइनली यहाँ पर कैलकुलेशन जब करेंगे तो टू ए स्क्वायर बी सी, यहाँ पर है माइनस वन, और यहाँ होगा माइनस बी सी माइनस बी सी, माइनस टू बी सी हो जाएगा, और माइनस टू बी सी गुणे माइनस प्लस टू बी सी, और टू ए स्क्वायर बी बी सी, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा टू ए स्क्वायर बी सी इन टू, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस टू बी सी गुणे माइनस इन टू टू बी सी है, तो दो गुणे दो क्या हो जाएगा चार, ए स्क्वायर को जो कहते हो
अब बी गुणे बी हो जाएगा बी स्क्वायर और सी गुणे सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, जो कि हम लोगों का क्या है आर एच एस है। उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। थैंक यू।